वेलकम टू माय फूड डायरी 16। तो यार अच्छा खाना ढूंढते ढूंढते मुझे एक डिश का नाम पता चला, छोले चिकन। ठीक है, ये अनडिवाइडेड इंडिया में पेशावर लाहौर इस साइड में बनता था और अभी भी बनता है, एंड शायद वहाँ पे स्ट्रीट फूड है। मैंने फ़ोटोज़ देखे थे तो मैंने सोचा कि यार चलो यार इसकी रेसिपी ढूंढी जाए। फिर मैंने सोचा कि रेसिपी क्यों ढूंढूँ, छोले भी बनाने आते चिकन भी बनाना आता है, तो पहले इसको अपने तरह से ट्राई किया जाए फिर देखते कैसे बना। और जब मैंने बनाया तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर देता हूँ, ऑथेंटिक वाली। कभी और शेयर कर दूंगा जब मुझे वो रेसिपी मिल जाएगी, तब तक ये वाली रेसिपी ट्राई करो और एंजॉय करो। तो अब देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो छोले चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए ऑब्वियसली चिकन, जिसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेशन कैसे किया वो मैं दिखा दूंगा, और ये ऑलमोस्ट ओवरनाइट मैरिनेटेड है। अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे मैरिनेट कर लो। दूसरा इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली छोले। तो ऐसा है, जितना चिकन लेते हो उसका हाफ छोले ले लेना और इसको ओवरनाइट भिगा देना। नमक स्वाद अनुसार और कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची और दालचीनी। हल्दी 3/4 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, जिसमें से 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल है रंग के लिए और 1/2 टीस्पून है देगी तीखेपन के लिए। प्याज का पेस्ट जो 2 मीडियम प्याज का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसमें जिंजर है 1 इंच का और गार्लिक है ऑलमोस्ट 15 क्लोव और इक्वल मेजर है गार्लिक और जिंजर का। इक्वल क्वांटिटी है जो है 1.5 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर और 2 टमाटर जिसे बॉयल कर लिए। अगर माइक्रोवेव है तो इसको कट करके स्लिट करके 2 मिनट माइक्रोवेव कर लो, अगर नहीं है तो बॉयल कर लो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये गुड टू हैव स्टेप है बट मस्ट हैव भी। और हींग, जिसको चना में उबालते टाइम डालने से क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इम्पॉर्टेंट हैक है। चना जब भी बनाओ हींग डाल देना तो गैस नहीं होगा। और 2 तेज़पत्ता। तो चलो अब देख लेते चिकन मैरिनेट कैसे करते हैं। तो पहले 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद आएगा जीरा पाउडर वो भी लगभग 1 टीस्पून, और फिर आएगा गरम मसाला वो भी 1 से 1.5 टीस्पून। और इसको कर लेते हैं एक बार मिक्स। ये हो गया फर्स्ट मैरिनेट। फर्स्ट मैरिनेट करने के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है और फिर करना है इसका सेकंड मैरिनेट। सेकेंड मैरिनेट में पहले तेल में मिर्ची का पाउडर मिला लेना है, तो ये लाल कलर दे देगा। और ये बिकॉज छोले चिकन है तो मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। अभी ये देखो बिल्कुल बढ़िया लाल कलर आ रहा है। इसको मिला के ये एक बार मिक्स कर देना है और फिर इसमें मिलाना है सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट दही। और दही ध्यान रखना खट्टा होना चाहिए, अगर खट्टा दही नहीं है तो दही के साथ में थोड़ा नींबू और मिला सकते हो। तो ये हो गया हमारा छोले चिकन का मैरिनेशन तैयार। बेस्ट है ओवरनाइट रख दो, नहीं होता है तो 2 से 3 घंटा रख दो ताकि मैरिनेट थोड़ा चिकन के अंदर चला जाए और फ्लेवर आ जाए। तो देखो पहले एक पैन गरम कर लो, उसमें सरसों का तेल डाल दो और जैसे ये है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सरसों के तेल को या तो कच्चा यूज़ किया जाता है या पूरा पका के। तो पूरा पक जाएगा तो कैसे इसका जो स्मेल है लाइट हो जाता है, कलर लाइट हो जाता है, तो पहले इसको मतलब उसको स्मोकिंग बोलते हैं, तो पहले स्मोकिंग करवा लेते हैं। अब जब तेल स्मोक हो गया तो उसमें पहले एक तेज़पत्ता डाल देते हैं, दूसरा चना बॉयल करते टाइम जाएगा, 1 दालचीनी मतलब 2, थोड़ा सा
पेपर, थोड़ा सा क्लव, यही पांच छह पेपर, पांच छह क्लव, दो बड़ी इलायची और चार छोटी इलायची, और इसको कर देते हैं एक बार तेल में ताकि इसका फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाए। इसको दो मिनट देना है। यहाँ पे एक ऑप्शनल स्टेप है कि यहाँ पे ना एक चम्मच चीनी डाल के उसको भी कैरमलाइज कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा स्वेट हो जाए तो इसमें डाल देते हैं प्याज का पेस्ट, और इसको थोड़ा अच्छे से कुक करना है। अब और अब जब प्याज थोड़ा हो जाए तो उसके बाद जो बॉयल्ड टमाटो था वो डाल देते हैं। बॉयल्ड टमाटो डालने से ना कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा आता है। और बॉयल्ड टमाटो डाल दिया, उसके बाद सॉल्ट डाल देते हैं ये अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी जो बताया था 3/4 टीस्पून, उसके बाद जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इसको अब अच्छे से पकने देना है। तो अब जब ये मसाला हो गया है, तेल छोड़ने लगा है, तो मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया, और उसके बाद डाल देते हैं इसमें अपना चिकन। और चिकन डालने के बाद इसको 30 से 35 मिनट कवर लगा के पकने देना है। तो अब जब चिकन हो गया है, उसका थोड़ा पानी निकल गया, फाइनली क्या करना है, जो चना उबाल के रखा है उसको ऐड कर देना है, और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट चलाना है, और अगर टाइम कम है तो कुकर में सीटी लगा दो। और इसमें यही है कि जो चिकन का फ्लेवर है चना में चले जाए, और फाइनली जब खाते हैं तब क्या करना है वो मैं तब बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा छोले चिकन तैयार। ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है लेकिन टेस्टी रेसिपी ज़रूर है। तो ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और अभी जाओ इंग्रेडिएंट्स लेकर आओ और छोले चिकन बनाओ और खाओ। अगर आप वेज खाते हो चिकन की जगह पनीर डाल लो या सोया चंक्स डाल लो, वो भी काम करता है। तब तक मैं जाता हूँ अपनी दूसरी रेसिपी के लिए, और आप ट्राई करो इसको और मुझे बताओ कमेंट्स में कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।